आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी आज अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर शहनाज ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस अवसर पर शहनाज ने राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के लिए ख्वाजा साहब की बारगाह में दुआ की। पार्टी दिल्ली की जीत के बाद, पंजाब की जीत के बाद, गुजरात से राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में शानदार फतह हासिल करने के बाद अब अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पे फोकस कर रही है, जिसमें मुख्यतया छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। उनमें से राजस्थान की मीटिंग जो राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं, वे हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं की ले चुके हैं और अब राजस्थान पे फोकस करने जा रहे हैं। जल्दी ही पूरे राजस्थान में टीम उतारी जाएगी, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाएगी। जो किसी के मन में थोड़ा सा रहता है कि हमें नहीं पूछा जा रहा, हम उसको नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ भी किसी के दिमाग में ना रहे, ऐसी पूरी कोशिश की जाएगी। और जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और जो नए आने वाले हैं उनका स्वागत किया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा और एक शानदार संगठन बना करके इस बार हम चुनाव में कूदने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान में आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का गढ़ होने के बाद भी अगर वहाँ पर बहुत कम समय में 6 महीने में हम वहाँ 13% से ज़्यादा वोट ला सकते हैं, 41 लाख से ज़्यादा वोट ला सकते हैं, 5 सीटें जीत सकते हैं, तो राजस्थान में हमारे पास बहुत गुंजाइश काम करने की। राजस्थान में हम 200 में से 200 सीट लड़ेंगे, ऐसा पार्टी का मानना है। बाकी इसकी आधिकारिक सूचना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे संदीप पाठक जी और विनय मिश्रा जी, जो कि हमारे चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के, वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें सूचना दी गई है, जो हमें इशारा दिया गया है, वो ये है कि जाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता में काम कीजिए, संगठन अच्छा बनाइए, अच्छा संगठन बन जाएगा, उसके बाद सबको जिम्मेदारियां सौंप दी जाएगी। मेंबरशिप ड्राइव जल्दी ही चलाने वाले हैं, मेंबरशिप ड्राइव चलाने के बाद जिसकी जैसी कुव्वत होगी उसको वैसी ही जिम्मेदारी मिलेगी और जो जिस चीज़ के अंदर निपुण होगा उसको वो काम दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कार्यकर्ता अब जोश में हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में बीते जितने भी 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन राजस्थान आज भी पानी के लिए परेशान हो रहा है। जो हमारे किसान हैं, किसानों को पानी नहीं मिल पाता है और दूसरी चीज़ बिजली की बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने 200 यूनिट बिजली फ्री की, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की, गहलोत सरकार जाते जाते केवल एक ये झुंझुना पकड़ाना चाहती है कि 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। अब ये 100 50 यूनिट के बेंजी कह रही 50 यूनिट, लेकिन कोई 100 यूनिट 50 यूनिट से काम नहीं चलता है। किसी के घर में एसी भी चलता, कूलर भी चलता, लेकिन वो अगर मूलभूत आवश्यकताएं इंसान को नहीं मिल पाए तो ऐसी सरकार का क्या है? तो हम तो ये कहते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और यातायात की सुलभ सुरक्षा, यातायात की सुलभ व्यवस्था, इन सब के लिए मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ेंगे, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी अलग अलग गारंटियां देंगी। अगर अरविंद केजरीवाल आएंगे वो अलग अलग गारंटी देके जाएंगे और कहेंगे कि ये गारंटी देके जा रहा हूँ, स्टाम्प पेपर लिख के जा रहा हूँ, अगर मेरी सरकार आती है और ये गारंटी पूरी ना करूँ तो आप मेरी सरकार को गिराने के हकदार रहेंगे। कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी, दिल्ली की तरह राजस्थान भी आपका परचम लहराएगा और आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक ना पाएगा। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, अनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 01454060760 और 773732409।
अरे राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023 और उम्मीद कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा अपना विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है तैयारी, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें। बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा 3 बजे वे 5 बजे ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं 9 2 9 0 1 0 4 4 8 अजमेर जयपुर संभाग।